आइए शुरू करते हैं सवाल जवाब। मेरा पहला सवाल, पैर बोला सबने सर बताई, जहां पर मैं नहीं हम कहकर लोग जुड़ते हैं वहां पर इस तरह का विहार बन जाता है जो सभी के लिए एक आदर्श हो जाता है। बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था, हर बुद्धिष्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज में। आज हम आपके लिए लेकर आए एकात्मता नगर जयताला नागपुर महाराष्ट्र का त्रिशरण बुद्ध विहार। इस वक्त मैं इसी विहार में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की एक प्यारी सी खूबसूरत सी सुंदर सी प्रतिमा आपको नजर आ रही होगी। तो और क्या खास है इस विहार में, जानने के लिए शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज का ये प्यारा सा सफर। दर्शकों, सबके साथ मिलकर वक्त हो गया है त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का, तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा और अब वक्त हो गया है विहार को जानने का। आइए जानते हैं विहार की स्थापना कैसे हुई, किस तरह हुई और किस तरह ये कार्य कर रहा है। जय भीम, मैं अर्जुन सोनोने या ठिकाणी बौद्ध बांधव असे जे जमलेले होते त्यांनी विचार केला की आपण या वस्तीमध्ये बौद्ध विहार स्थापन करू, त्याकरिता ते बौद्ध बांधव जमा झाले। या ठिकाणी आम्ही परिश्रमाने मेहनतीने आर्थिक परिस्थिती या नात्याने थोडे बौद्ध विहार असे कच्चे बांधलेले होते, परंतु काही दिवसांनी थोडी वर्गणी करून 2010 या ठिकाणी गौतम बुद्ध यांची मूर्तीची स्थापना झाली आणि याची सुधारणा अशा प्रकारने आजच्या परिस्थितीमध्ये आहे।
जय भीम। माझे नाव छन्नालाल गजबी आहे, एकात्मता नगर या विहारचे सदस्य आहे। ह्या विहाराचं जे अधुरा जो काम आहे, आम्हाला वर वाचनालय बनायचं आहे, साईडला विहार ते भंतेजींना राहण्यास करता रूम वगैरे बनवायचे आहे, इथं संडास बाथरूम नाही ते तरी तयार करायचे आहे। जय भीम, मी रीना कानफाडे। आपल्या विहारामध्ये रोज वंदना होते आहे, प्रत्येक महापुरुषांचे प्रोग्राम साजरे केल्या जात आहे, परत शिबिरसुद्धा घेतल्या जात आहे। जसं आता उद्याला आम्ही डोळे चेकअप करण्याचं शिबिर घेत आहो। दर्शको, आपने जो एक सुंदर सी प्यारी सी रंगोली देखी है जिसमें बड़े प्यार से जय भीम लिखा हुआ था, वो इन तीनों ने मिलकर निकाली थी खास अपना विहार अपनी आवाज़ के लिए। तो हम आवाज़ इंडिया टीवी की ओर से और अपना विहार अपनी आवाज़ की ओर से इन तीनों को साधुवाद कहते हैं, साथ ही साथ भविष्य के लिए मंगल कामनाएं देते हैं। जय भीम। दर्शकों, वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रेक के उस पार भी आपके लिए बहुत कुछ बाकी है, तो कहीं जाइए मत, बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़। कौन सी मुद्रा है वो? भूमि स्पर्श मुद्रा। उन्होंने कहा अभय मुद्रा, आपने कह दिया भूमि स्पर्श मुद्रा। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपना विहार अपनी आवाज में, और अब वक्त है सबके साथ मिलकर एक प्यारी सी बोध कथा सुनने का और उसे जीवन में उतारने का। आइए, आज भी लेकर आए हम आपके लिए ये प्यारी बोध कथा, आइए सुनते हैं। दर्शकों, एक जगह पर एक बड़ा सा हॉल था जहां पर हजारों लोग आए हुए थे, तो वहां के आयोजक ने यह किया कि सभी को बाहर बुलाया और उसमें ढेर सारे बलून्स जिसमें गुब्बारों में हवा भरी हुई थी, ऐसे गुब्बारे उस वहाँ पर सबके नाम लिखकर ऊपर छोड़ दिए और सबसे कहा कि अब आप सभी को अपने अपने नाम का गुब्बारा 5 मिनट में ढूंढकर निकालना है। सभी लोग हॉल के अंदर प्रवेश किया और सभी लोगों ने जब प्रवेश किया तो सभी अपने नाम का बलून खोजने में समय गंवाने लगे और किसी को अपने नाम का बलून मिल ही नहीं रहा था, और इस तरह वो समय भी खत्म हुआ। जब सब लोग बाहर आए तो बस कुछ ही लोगों के हाथ बलून्स थे और बाकी सबके हाथ खाली थे। आयोजक ने फिर से उनसे एक बार कहा कि अब आप एक बार फिर से इस हॉल में जाएं, लेकिन इस बार अपने नाम का बलून न ढूंढते हुए जो भी बलून्स आपके हाथ में आता है उस पे जिसका नाम लिखा है उसका नाम पुकारें और देखें क्या होता है। कुछ देर बाद जब लोग सब बाहर आए तो सभी के हाथों में बलून था। हुआ ये था कि इस बार हर कोई अपना बलून नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि जो बलून हाथ में आया उसका नाम पढ़कर उसे पास बुलाकर वो बलून सौंप रहा था। इस तरह 5 से 10 मिनट में ही सभी को अपने अपने बलून मिल गए। दर्शकों, इस कथा से हमें भी ये सीख मिलती है कि हम जिंदगी में हमेशा खुशियों के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन खुशियाँ जो है वो आगे दौड़ती रहती हैं और हमें खुशियाँ नहीं मिलती, क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए खुशियाँ चाहते हैं। अगर हम औरों को खुशियाँ दें तो उसके बाद जो हमें खुशी मिलेगी वो वही खुशी होगी जिसे हम ढूंढ रहे हैं। जब लोगों ने खुद के लिए बलून ढूंढने चाहे तो नहीं मिले, लेकिन जब उन्होंने वही बलून दूसरों के लिए ढूंढे और उन तक पहुँचाए तो उन्हें भी अपने नाम का बलून बड़ी ही आसानी से मिल गया। इसी तरह अगर आप भी औरों को खुशियां बांटेंगे तो आपको भी खुशियां निश्चित तौर पर मिलेगी। तो दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करते हैं ये बोध कथा आपको जरूर पसंद आई होगी, आपके पास भी है इस तरह की बोध कथा, तो बिल्कुल 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 देर ना करें। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप के माध्यम से अच्छी अच्छी कथाएँ हम तक पहुँचाएं, लेकिन जब आप हमें व्हाट्सएप करें तो अपना नाम पता भी उसमें होना जरूरी है। तो दर्शकों, अब वक्त है सवाल जवाब का, आइए शुरू करते हैं आज का सवाल जवाब। तो हम सवाल जवाब के लिए यहाँ पर तैयार है, सारे उपासक उपासिकाएं इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और सारे उत्सुक हैं सवाल जवाब के लिए जितने की आप, तो आइए शुरू करते हैं सवाल जवाब। आप सब तैयार हैं? बच्चों का आवाज ज्यादा आ रहा है। खैर, बहुत आसान आसान सवाल करने वाला हूं इनसे और इसी विहार से संबंधित। इस विहार में कुल मिलाकर कितनी जगह पर
अशोक चक्र हमें नजर आता है। जिस विहार में आप सालों से आ रहे हैं, अब मत गिनिए, अब उतना समय नहीं है। जिसे पता है सिर्फ हाथ ऊपर करें। आपने हाथ ऊपर किया है, आ जाए यहाँ पर। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। दीपाली वर्सेकर जी। बताएं कितने हैं? छह। मुझे पता था ना कोई जवाब नहीं दे पाएगा। जी नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। कुसुम कृष्णा शंबरकर जी। बताएं। आठ। बहुत अच्छी, आप जाओ। अरे सही जवाब नहीं है। बहुत अच्छी, इसलिए कहा कि मैंने पहले कहा कि सही जवाब नहीं देंगे करके। इन्होंने छह कहा, इन्होंने आठ कहा, और मैं आपको बता दूं, अब मौका नहीं दूंगा। कुल मिलाकर एक दो आठ दस नहीं बल्कि 15 है। 15। जोरदार ताली आप मेरे लिए बजा सकते हैं। 8, ये जो आपने गिने 8 है, ये 9 है, पीछे 10 है, और पीछे में बाजू में और है, और बाहर 3 है। कुल मिलाकर कितना हुआ? 15। इस विहार में जो महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध जिस मुद्रा में विराजमान है, जैसे उनके हाथों की उंगलियां नीचे की ओर है, उस मुद्रा को कौन सी मुद्रा कहकर संबोधित किया जाता है? 10 मुद्राओं में से कौन सी मुद्रा वो है, कौन बता सकता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें। दो हाथ ऊपर हुए, कोई भी एक आ जाए इधर। जय भीम। आपका परिचय दे। ज्योति लोखंडे जी। थोड़ा जोर से बोले। ज्योति लोखंडे जी। बताए कौन सी मुद्रा कहा जाता है? अभय मुद्रा। माफ कीजिए, आपने जो जवाब दिया वो गलत है, और सिर्फ दो हाथ ऊपर हुए, एक गलत जवाब हो चुका है। आ जाए यहाँ पे। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दे। मेरा नाम शारदा रविंद्र मंडपे है जी। बताए कौन सी मुद्रा है वो? भूमि स्पर्श मुद्रा। उन्होंने कहा अभय मुद्रा, आपने कह दिया भूमि स्पर्श मुद्रा। उनका जवाब था गलत, और आपका जवाब जो है वो भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। जोरदार ताली, बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है। भूमि स्पर्श मुद्रा है। अब मेरा तीसरा और अंतिम सवाल यह है, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध जिन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ बोधि वृक्ष के नीचे, उसके पहले वो राजकुमार थे, उनकी पत्नी का नाम किसको पता है? सिर्फ हाथ ऊपर कर। इस साइड से कोई हाथ ऊपर हो नहीं रहा है। उपासक का एक हाथ ऊपर है, आ जाए यहाँ पे। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दे साहब। नाम सिद्धार्थ बावनगढ़े जी। आपका भी नाम सिद्धार्थ है, तो बताएं साहब इसका जवाब क्या है? यशोधरा। क्या सही है गलत है? सही है, बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब हमें मिल गया है। तो दर्शकों, सवाल जवाब मैं यही समाप्त करता हूं। दर्शकों, बच्चा पार्टी, बच्चों की फौज मेरे साथ मौजूद है। ये प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे इधर से लेकर तो वहां तक मेरे साथ मौजूद है। बालक बालिकाएं इस वक्त मेरे साथ है, और ये उसी गेम खेलने के लिए मेरे साथ मौजूद है जो गेम हमने बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए शुरू किया है, और उस गेम का नाम भी हमने बड़ा प्यारा दिया है। बच्चों, गेम का नाम क्या है? सुनाई नहीं दिया? नागपुर कानपुर। वो ये नागपुर है और ये कानपुर है, और इन्हें करना कैसे मैं आपको बता दूं। इन्हें एक हाथ से नागपुर कानपुर पकड़ना है, फिर दिशा चेंज करते हुए इंस्टेंटली कर दिखानी है। तो ये मुझे नहीं करना है, इन्हें करना है। तो आइए देखते हैं। तो फिर 1, 2, 3 शुरू करें। दर्शकों, नागपुर कानपुर का रास्ता भटक गए हैं, हम इन्हीं के हाल पर छोड़ देते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज में वक्त हो गया। इस वक्त फिर से एक छोटे से प्यारे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले
आज का सुविचार। शक, जी हाँ, शक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और ये जिसे हो जाता है उसकी जीवन को ये नष्ट कर देता है। मैत्री खत्म हो जाती है, रिश्तों में दरारें आ जाती हैं और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो शक इस रोग को होने ना दे, गलतफहमी को पैदा होने ही ना दे और हर रिश्ते को प्यार से संजोए रखे, यही मंगल कामनाएं। बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज़। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपना विहार अपनी आवाज में और वक्त है माजा भीमचनावाच कुंकू। मुझे पता है अकेले नहीं गाना है, सबके साथ मिलकर गाना है, तो आओ मिलकर गाएं। माजा भीमचनावाच हो, माजा भीमचनावाच कुंकू लावील रमान माझ्या भीमाच्या नावाचं कुंकू लावी हो, माझ्या भीमाच्या नावाचं कुंकू लावील रमान, कुंकू लावील रमान, दर्शक एक बार फिर से मैदान सज गया है हमारा। उपासक उपासिकाएं खिलाड़ी के रूप में हमेशा की तरह इस वक्त भी मेरे साथ में मौजूद है, आप देख सकते हैं, और ये सारे के सारे बेताब है, उत्सुक है, उसी तरह जिस तरह से आप भी हमेशा उत्सुक रहते हैं। और ये वही गेम है जिस गेम का आप हर रात करते हैं बेसब्री से इंतजार, जिस गेम से आप सभी करते हैं ढेर सारा प्यार, जो गेम सबको लगता है अपना और जो गेम खेलने का देखते हर रात सपना, और उस गेम का नाम है भीम का, जी हाँ, भीम का दीवाना। मैं आपको बता दूं, इन सभी को मेरी तरफ देखकर जय भीम 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 कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर कोई भी एक पार्ट छूने के लिए कहूंगा, उन्हें दोनों हाथों से उस पार्ट को छूकर दिखाना है, जो मेरे कहते से ही कर दिखा देगा वो हमारा विनर होगा। तो आइए देर नहीं करते, शुरू करते, लेकिन हमेशा की तरह पहले ट्रायल ले लेते हैं। नाक को हाथ लगा के दिखाएं, ओके, नीचे, दोनों हाथ से करना है, एक हाथ से नहीं, ठीक है। दर्शकों, सबसे मैंने कहा नाक को हाथ लगाइए और सबने लगा के दिखाया, इसका मतलब सब लोग मेंटली अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखना यह है दर्शकों कि गेम शुरू होने के बाद क्या सब लोग इसी तरह नॉर्मली रहते हैं या नहीं, क्या होने वाला है आपको पता है, पर इनको पता चलने वाला है। और आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, सबको पैर बोला, सबने हाथ पकड़े। दर्शकों, ये तो वही हो गया जो होता आया है और आज फिर हो गया। आपसे क्या कहा था मैंने पकड़ने के लिए, पैर, और आपने क्या किया। तो दर्शकों, आज भी कोई विनर नहीं है। लगभग 200 एपिसोड्स की तरफ हम चल रहे हैं, 200 एपिसोड्स की ओर, और आज तक कोई भी विनर नहीं है। यह सिलसिला चलता आया, आज भी चल गया और आगे भी चलता रहेगा, और मैं हमेशा कहता था, कहता हूँ और कहता ही रहूँगा कि हाँ हाँ हाँ, मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। तो दर्शकों, इस विहार में भी कई ऐसे उपासक उपासिकाएं जिन्होंने आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर इसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है और इसे
जिम्मेदारी समझते हुए बखूबी निभाया है। आइए देखते हैं कौन है वो उपासक उपासिकाएं जिन्होंने आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। आवाज इंडिया टीवी को एड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई है, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवीला जाहिरात देऊ आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को याद देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, आप भी आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवीला जाहिरात देऊ आम्ही आपला कर्तव्य केलं, तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को याद देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आप भी निभाई। आवाज इंडिया टीवीला जाहिरात देऊ आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचे कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर आपने जिम्मेदारी निभाई है, अब आपकी बारी आई है। दर्शकों, वक्त है सामूहिक शपथ का, वही शपथ जो हर विहार में हम लेते हैं। बाबा साहब ने हमें जो आदेश दिया उस आदेश का हम पालन करेंगे और जो हमें हमारा कर्तव्य बताया उसकी हम पूर्ति करेंगे। क्या था कर्तव्य, क्या था आदेश? हर बुद्धिष्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, यह उसका कर्तव्य है, ऐसा हमें बाबा साहब ने कहा था। तो आइए हम सब मिलकर लेते हैं शपथ, आप भी हमेशा की तरह हमारे साथ मिलकर ये शपथ लें। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्ध जन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं, नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर न सिर्फ यह शपथ ली होगी बल्कि शपथ का पालन भी आप हमारे साथ मिलकर करेंगे। दर्शकों, ये था त्रिशरण बुद्ध विहार जो आता है एकात्मता नगर जयताला नागपुर महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं ये विहार आपको जरूर पसंद आया होगा और अगर आपके पास भी है कोई इस तरह का प्यारा सा विहार तो बिल्कुल देर ना करें, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप आपकी विहार की संपूर्ण जानकारी हम तक पहुँचाएं। साथ ही साथ अगर आपके पास है अच्छी बोध कथा, अच्छे विचार या अच्छे सुझाव, वो भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। और आपको याद दिला दूं, आपकी सुविधा के लिए मौजूद है सारे विहार YouTube पर। टाइप करें अपना विहार अपनी आवाज और जो विहार आप देखना चाहते हैं उस विहार का नाम। तो दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। मुझे विक्रम को कैमरा पर्सन नीलेश जी के साथ दीजिए इजाजत। मिलेंगे नई जगह नए विहार, तब तक बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज।
बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखे यूट्यूब पर भी। आप हमारे यूट्यूब पेज youtube.com/awazindiatv पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज़।